सलवात बर मोहम्मद वाल। मजलिस के आगाज से पहले एक खुशगवार फरीजा और एक ऐलान। मैं मेरा खुशगवार फरीजा ये है कि मैं बानी मजलिस की जानिब से आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा होकर मुझ जैसे जाहिल को सुनने की जहमत गवारा की। ये मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूं कि ये मजलिसें मैं अपने लिहाज से एक रिसर्च पेपर से बहुत ज़्यादा समझता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल ये है, मेरा अकीदा ये है कि मैं इमाम के सामने अपनी मजलिसें पढ़ रहा हूँ, इसलिए बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ इसमें जितना भी मटेरियल पेश किया जाता है बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ है। और अगर किसी साहब को कोई डाउट हो तो हमेशा उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं, और उसका सारा बैकग्राउंड मटेरियल मेरे पास तैयार है। दूसरा एक ऐलान कि 14 से 18 मुहर्रम तक बैतुल खायम में ठीक 7:30 बजे, बैतुल खायम पुरानी हवेली, ठीक 7:30 बजे मजालिस सिलसिला शहादत सकीना बिनतुल हुसैन मुकर्रर हैं, जिसमें मैं ही बयान करूंगा, और उस मजलिस में आप सबको शिरकत मेरे लिए बायस तशक्कुर होगी, तो इसमें तशरीफ लाइए। तीसरे बानी मजलिस की तरफ से ऐलान ये है कि कल यहाँ पर आशूरे के आमाल होंगे और आमाल आशूरा और नमाज यहाँ पर होगी सेंटर में, यहाँ पर सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون ولما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق والخلق العظيم صلوات الله محمد وعلى آله محمد قرآن میں اللہ ہمارے پیغمبر کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ تم مکارم اخلاق پر فائز ہو اور تم خلق عظیم ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے جو بلند ترین درجات ہیں اس پر ہمارے رسول فائز ہیں۔ آج کی مجلس سے میں اخلاقیات کے متعلق اور مفاد پرستی کے متعلق، مذہب اور اخلاقیات، اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ وقت بہت ہو چکا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے مواد کو کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ جو مجلس کا وقت مقرر ہے اور وہ اس کے اندر ہی یا اس تھوڑی تھوڑی سے تاخیر کے ساتھ یہ مجلس اختتام کو پہنچے، کیونکہ یہ آخری مجلس ہے، تو اس میں ہم کو پرسا بھی دینا ہے حضور کی خدمت میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آج جتنا غم ہم منا سکتے ہیں وہ غم ہم کو منانا چاہیے۔ تو چلیے اخلاق کے متعلق، مذہب کا کیا تخیل ہے، تو جب جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے اس کا جو ریورس ہے، الٹا جو ہے اس کا برعکس، وہ مفاد پرستی ہے۔ اخلاق اور مفاد پرستی،
अखलाक जो है तख्लीक की निशानी है, क्रिएशन, अखलाक और मजहब और अखलाक अल्लाह की तख्लीक है, तो इसका ताल्लुक तख्लीकियत से है। और जहाँ तक मफाद परस्ती का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक डार्विनिज्म से है, इर्तिखा से है और डार्विनिज्म से है। तो जहाँ तक तख्लीक का ताल्लुक है, इंसान की हकीकत अखलाकियात से ज़ाहिर होती है और अखलाकियात की वजह से इंसान में इनफरादियत पैदा होती है, उसकी एक शख्सियत आ जाती है, इनफरादियत शख्सियत, और वो फ्री विल, इरादे खुद इख्तियारी, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से दी गई हैं और ये मज़हब की देन है इंसान के लिए। लेकिन जब आप मफाद परस्ती की बात करते हैं, तो मफाद परस्ती का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें इंसान एक मशीन बन जाता है और इंसान के जो खवास हैं और इंसान के जो आमाल हैं, इंसान के आमाल को काउज एंड इफ़ेक्ट और एंट्रोपी और हीट कंटेंट्स, इस तरीके से थर्मोडायनेमिक टर्म्स में समझने की कोशिश की जाती है, जो बिल्कुल गलत है। तो मैं अंग्रेज़ी अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुमकिन है उर्दू अल्फाज जो हैं, तो उर्दू अल्फाज जो है वो इल्लियत है, जो मफाद परस्ती इल्लियत, कॉज एंड इफ़ेक्ट को इल्लियत कहते हैं, और नाकर्दगी जो है वो एंट्रोपी है और हीट कंटेंट्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंसान के आमाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो बिल्कुल गलत है। इंसान का ताल्लुक ना इल्लियत से है, ना एंट्रोपी से है, ना हीट कंटेंट से है, बल्कि इंसान की जो इनफरादियत है, वो जो शख्सियत है, वो मज़हब की देन है।